हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आ गए हैं नो कांटेक्ट की रीडिंग लेके। और जो लोग नो कांटेक्ट में हो, मैं आज देखूंगी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन कैसा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आपके सामने जब भी आ रहे, जिस भी दिन आ रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है, जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे तो डेफिनेटली इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ओनली एंड ओनली व्हाट्सअप करें। 333 से करंट फीलिंग का रीडिंग स्टार्ट है, डिटेल रीडिंग स्टार्ट है। और 199 में आपको किसी एक क्वेश्चन का शॉर्ट रीडिंग मिलेगा। तो जिनको भी लेना है तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन में आपके पर्सन के कारण सिचुएशन कैसा है और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लव्ड वन। चलिए देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन के कारण सिचुएशन कैसा है आज के दिन में। जब भी देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन। पहला एक कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है एंड दूसरा कार्ड भी बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। माय गॉड, माय गॉड, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट है गाइस आपके लिए। बॉटम से है ब्रेक थ्रू, ठीक है। साइन मैं यहाँ पर बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा। तो एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, ऑलमोस्ट सारे साइन है, लेकिन यहाँ पर एयर साइन थोड़ा कम है। ओके, तो आपके पर्सन काफी क्विकली आपके तरफ आने वाले हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके प्रति। और फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, खुद के लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आना चाह रहे हैं। आपके साथ ही खुद की हैप्पी फैमिली और ग्रोथ स्टेबिलिटी को देख रहे हैं आपके पर्सन। साथ ही साथ पास्ट में उन्होंने जो भी मिस्टेक किया है, पास्ट की गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से उनको जो भी कर्मा फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली उनकी जो भी बैड कर्मा था फिलहाल उनको फेस करना पड़ रहा है इन दिनों है। और इन दिनों उनके ऊपर बैड इफेक्ट्स भी आए हैं, जिसके बाद आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है ब्रेक थ्रू। तो उन कार्मिक सिचुएशन को, ऑब्स्टिकल्स को तोड़ के, फोड़ के आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, यहाँ पर जगलिंग सिचुएशन में थे, दो सिचुएशन था, किसको चूज करे, किसको चूज ना करे, कौन से रास्ते पे जाए, जो भी इम्बैलेंस एनर्जी था, जो भी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक बंधन, कार्मिक साइकिल था, ऑब्स्टिकल्स थे, उन सारी ऑब्स्टिकल्स को एंड करके, तोड़ के, फोड़ के आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। किसके तरफ, आपके तरफ आ रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में आ रहे थे उसको रिमूव करके यहाँ पर बैलेंस आ रहे हैं। इन एंड यंग की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि पीसफुल रिजोल्यूशन, बैलेंस, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन को दिखाते हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड है, तो आप लोगों का जो सोल है वो मार्च होने की टाइम आ चुका है, रीयूनियन की टाइम आ चुके हैं। और आपके पर्सन के लाइफ में एक कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर काफ़ी नॉलेज एंड विजडम आया है, उनको क्लैरिटी है, ठीक है, कि क्यों इन सारी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ रहा है, क्यों जो है इतना दुख तकलीफ उनको झेलना पड़ा, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। ओके, और उनके अंदर नॉलेज आए, ठीक है, और उन्होंने खुद को इम्प्रूव भी किया है, ताकि आपके रिश्ते में बैलेंस आ सके। और ज़्यादातर लोगों के लव लाइफ में बैलेंस होगा, रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच डिले आ रहा था, पोस्टपोनमेंट आ रहे थे, स्टक हो गया था सिचुएशन, आगे नहीं बढ़ रहा था, आप लोग काफ़ी टाइम से पेशेंस रखे हुए हो, प्लानिंग कर रहे थे, आपके पर्सन स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि कैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन किया जाए, बाहर आया जाए, तो वो टाइम आ चुका है डिवाइन इंटरवेंशन से। तो ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। 11-11 पोर्टल आ रहा है,
ठीक है, तो डेफिनेटली मेजर लेवल पे कर्मा एंडिंग की एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाले हैं। आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा और रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। सोल मार्जिंग की एनर्जी है, जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो यहाँ पर सोल मार्ज हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर रियूनियन और पीसफुल रिजोल्यूशन, जिन लोगों के बीच कुछ अनबन हो गया था, ठीक है, किसी अदर पर्सन की वजह से, अदर सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम आ गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था, तो उन सारी सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आज के दिन में कुछ लोगों के घर में शादी सेलिब्रेशन भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के घर में, आपके घर में, ठीक है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आप लोग अटेंड कर सकते हो, आप या फिर आपके पर्सन। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन आपको शादी करना चाह रहे हैं, खुद के लाइफ में हैप्पीनेस को वापस लेके आना चाह रहे हैं, खुद के लाइफ में एक स्टेबिलिटी, मैरिज कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, हैप्पी फैमिली। जो लोग एक दूसरे से मैरिड थे, हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे थे, लेकिन आपके फैमिली के बीच जो है प्रॉब्लम आ गए थे, दरार आ गए थे, आपके बच्चे अलग हो गए थे, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ अलग हो गया था, और अभी जो है रियूनियन होगा, आप लोग एक साथ हो पाओगे, क्योंकि हारमोनी का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स की कार्ड है, विद द सेलिब्रेशन थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, विद द फोर ऑफ वैंड्स जो कि शादी को डिनोट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत क्विकली, बहुत जल्दी आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगा, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपने हार्डवर्क किया है, मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने फोकस रहा, अपने करियर में ग्रोथ लेके आए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आए, पावर लेके आए, नेगेटिविटी से खुद को बाहर लेके आए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दिखेंगे, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, रीयूनियन होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए शादी होगा, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव चेंजेस, जब भी आप देख रहे हो ये एनर्जी आप क्लेम करें, इस पॉजिटिविटी को क्लेम करें। मैरिज लाइफ में सेपरेशन था तो रीयूनियन होगा, लव लाइफ में कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, शादी नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर शादी होगा, सेलिब्रेशन आएगा। जिनके करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे, कि आपने हार्डवर्क करे ही जा रहे थे लगातार 1 ईयर से, फिर भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, तो यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट आपको करियर में दिखेंगे, किसी ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके तरफ आ रहे, और आपके पर्सन इंटेंसिटी के साथ आपके तरफ वापस आ रहे। सारे ही पॉजिटिव कार्ड आज आ चुके हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, हैप्पीनेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, हारमोनी क्रिएट होने वाला है। साथ ही साथ जो लोग फैमिली में रहते हो, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कतें चल रहे थे, फ्रेंड्स के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एंड दिक्कतें चल रहे थे आपके लाइफ में, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कि फ्रेंड्स के साथ नहीं बन रहा था, फैमिली के साथ नहीं बन रहे थे, तो आने वाला टाइम बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके करियर में। तो यहाँ पर ओवरऑल एक गुड न्यूज़, एक ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो भी मैंने एनर्जी अभी निकाले थे वो सारे ही जो है लव लाइफ को लेके ही था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की एनर्जी आ गए हैं, डिवाइन मास्कुलिन का एनर्जी। तो मैंने सफल कर लिया है, बॉटम से लाभ की एनर्जी, वाइब्रेशन आप देख रहे हैं कार्ड की, मैंने तो क्लींस नहीं किया है कार्ड्स को, ठीक है, और ऐसे ही सफल किया, तो पहले जो है मस्कुलाइन एनर्जी आ गए हैं और फिर लाभ की वाइब्रेशन है और बीच में गाइडेंस का कार्ड आ रहे थे, मैसेजेस के कार्ड आ रहे थे, तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, सिक्योरिटी को दिखा रहे हैं यहाँ पर। लव लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्या कुछ हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। ओके, काफ़ी टाइम से आप लोग जो है दुख दर्द तकलीफ से गुजर रहे हो, आपके करियर में, लव लाइफ में लॉसेस हो रहे हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे आप लोग, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके तरफ। यस, जो भी आपका ऑब्स्टिकल्स है था वो काटअप होगा, ठीक है, और अभी जो है फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वहाँ से नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, राइपनेस का कार्ड था, पहला ही कार्ड आया था यहाँ पर, और यहाँ से भी देखिए यहाँ पर खेत की एनर्जी है, और ये जो खेत के ऊपर जो भी काम किया है अभी जो है उनका फ्रूट घर लेके आने की टाइम है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी हार्डवर्क आपने किया है उनका रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा।
और क्या आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के तरफ, प्लीज इनसे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के तरफ और क्या आ रहे हैं। यस, ग्रोथ, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को दिखाते हैं ये जो पेड़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेड़ है और बहुत ही ग्रोथ वाला पेड़ है। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में, लव लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलेगा और ग्रो करेगा ये रिश्ता, ठीक है। देखिए ये कार्ड आया था, फिर से आ गए हैं, और जितना दिन जाएगा, माय गॉड एक कार्ड भी आ गया है, जितना दिन जाएगा आप दोनों के बीच जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, वो और ज्यादा डीप लेवल पे बढ़ेगा, ठीक है, और ज्यादा डीप हो जाएगा आप दोनों का कनेक्शन। देखिए आपके पर्सन आपके इंतजार में है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, रोज लेके बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं, जैसे कि इंतजार कर रहे हैं रीयूनियन का, ठीक है, इंतजार कर रहे प्यार की, इक्वल गिव एंड टेक का, और उनके दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार है। हो सकता है कुछ लोगों का रिसेंट पास्ट में झगड़ा हुआ है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं आपके साथ या फिर किसी और के साथ, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के वाइब्रेशन है, लेकिन जो भी हो आपके लव्ड वन आपकी इंतजार में है, स्पेशली आपके साथ रियूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ओके, इस बार अगर आपके पर्सन वापस आएंगे तो लॉयल बनकर ही आएंगे, और इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते, सिक्योरिटी चाहते हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, और कोई ना कोई न्यूज़ आपके तरफ आने वाले हैं, गुड न्यूज़ आपके तरफ आने वाले हैं। ओके, साथ ही साथ आपको एक की मिलने वाले हैं, जो भी दरवाज़ा आपके लिए बंद हो चुका था उस दरवाज़ा को खोलने के लिए आपको एक की दिया जाएगा, मतलब आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोजेस की एनर्जी है, तो लव लाइफ में करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं, ग्रोथ आने वाले हैं आपके रिश्ते में, और ये रिश्ता स्टेबल करेगा, और इस बात लॉयलिटी भी रहेगा रिश्ते में, रीयूनियन की वाइब्रेशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। तो 11-11 पोर्टल तक ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन होने की चांसेस है, क्योंकि 24 यहाँ पर नंबर है, तो 24 आवर्स के अंदर या तो फिर 6 डेज के अंदर यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्रेशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, क्लेम करेगा इस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, और ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करें। हो सकता है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से रियूनियन नहीं हो पा रहा है। जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आप लोग डिवाइन से प्रे करें हमेशा, और हमेशा जो है मैनिफेस्ट किया करें, ताकि आप दोनों के बीच जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो रिमूव हो सके। ओके, और साथ ही साथ आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, फोकस रहनी है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं एंजल, इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के तरफ। और मैं नो कांटेक्ट का जो भी रीडिंग करती हूँ यहाँ पर, ओके, पूरा जो रीडिंग होता है मेरा, कि जो भी मैं देखती हूँ करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस, तो ये सारे आ जाते हैं 755 में। ये पूरा रीडिंग को परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको 755 में आपके लव लाइफ के ऊपर आपकी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लेके जो है आपको पूरा रीडिंग मिल जाएगा। और हाँ, 24 आवर्स के अंदर ही मैं ज़्यादातर रीडिंग प्रोवाइड कर देती हूँ, तो टाइम का उतना मैटर नहीं है, पेमेंट के बाद 24 आवर्स के अंदर मैं ज़्यादातर लोगों का रीडिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, देखिए पहला एक कार्ड चैरियट का है, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के पर्सन वापस आ जाएंगे विद द सेलिब्रेशन कार्ड, वहाँ से भी करंट फीलिंग में भी सेलिब्रेशन आया था और यहाँ पर भी सेलिब्रेशन है, तो आपके पर्सन वापस आ रहेगा, सीधा सीधा आंसर यहाँ पर भी आ चुके हैं, चैरियट के साथ 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग होगा, स्टेबिलिटी मिलेगा, इस बार कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलेगा ये रिश्ता, और यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट रहेंगे, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगा आने वाला एक दिन के अंदर, साथ ही साथ आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड 3 टाइम्स आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी फ्रूट की एनर्जी है, तो पहले जो राइपनेस का कार्ड आया था पहली स्प्रेड में, तो तीनों डेक जो मैंने यूज़ किया है वहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी लव लाइफ के लिए पेशेंस रखा है बहुत टाइम से और पॉजिटिव रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने काम किया है, उनका रिजल्ट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके पर्सन वापस आने वाले हैं, सेलिब्रेशन होगा, न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है।
तो ये एनर्जी काफी हद तक स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, तो आप दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट होंगे, जो भी सिचुएशन इम्बैलेंस था वो क्रिएट होगा। आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ट्रिगर मिल सकता है, इमोशनल ट्रिगर मिलेंगे और वो आइसोलेशन में रह सकते हैं, काफ़ी सोच विचार कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। 4-4 की एनर्जी है, आपके लिए ही वो डिसीजन लेंगे, आपको खोना नहीं चाहेंगे, आपको ही प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, 1-4-4 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का एनर्जी है और यहाँ पर 1-4-4 की एनर्जी है। तो अगर किसी को 1-4-4 दिख रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस स्पेशली आपके लव लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ कार्ड को मैं क्लरिफाई करूँगी, इस कार्ड को क्लरिफाई करूँगी और इस कार्ड को मैं क्लरिफाई करूँगी। डिसेप्शन एंड एनवी क्यों आया है एंजल यहाँ पर? बॉटम से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड पार्टी से धोखा मिलने वाला है आपके पर्सन को। ठीक है, यस, आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल रहेंगे। क्या होने वाला है? 9 of Wands एंड मून कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर? 9 of Wands एंड मून कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं? शादी। ओके, आपके पर्सन शादी आपको ही करेंगे, लेकिन थोड़ा डर है उनके अंदर, इनसिक्योरिटी है कि थर्ड पार्टी कैसे लेंगे, क्या कहेंगे, इस तरीके का। शैडो की एनर्जी क्यों आए हैं? शैडो की एनर्जी क्यों आए हैं आपके पर्सन की लाइफ में? विश फुलफिलमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। ठीक है, आने वाले 2 दिन के अंदर उनको फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा और ये कार्ड भी काफ़ी टाइम निकल कर आया है। इंटेंसिटी का कार्ड आया था, मैंने बोला कि आपके पर्सन बहुत ही आपके तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, तो सेम एनर्जी है। ओके, और वहाँ से पहला ही कार्ड जो है डिवाइन मास्कुलाइन का निकल कर आए थे, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड एंड फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी कार्मिक रिलेशन है, जो भी है, यहाँ पर एक साइकिल एंड होगा और आपका विश फुलफिलमेंट होने वाले है गाइस। ठीक है, तो आने वाले 9 वीक के अंदर यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए, और रियूनियन तो मैंने बता दिया है 6 डेज के अंदर हो सकते हैं काफ़ी सारे लोगों का। तो या तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को धोखा मिलने वाले है आने वाले टाइम में, हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन उन चीज़ को आपके पर्सन हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फर्टिलिटी का कार्ड क्यों आए हैं? मूविंग ऑन, यस, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे और आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगा। देखिए कार्ड्स बता रहे हैं, बात बोल रहे हैं, जैसे कि मैं जैसे बोल रही हूँ ना, कार्ड आपको बोल रहे हैं न्यू बिगिनिंग के साथ हारमोनी। ओके, हारमोनी अदर डेक से भी आया था। मूविंग ऑन, तो मैंने थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं मूविंग ऑन विथ न्यू बिगिनिंग एंड हारमोनी। तो काफ़ी सारे लोगों का हारमोनियस यूनियन होने वाले है गाइस आने वाले टाइम में, स्पेशली 6 डेज के अंदर, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों का विश फुलफिलमेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। चलिए देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो ये डेक सामने है, इसको ही मैं ले लेती हूँ। प्रेजेंशियल गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे कौन सी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है? ओके, मून एनर्जी, खुद की इमोशनल साइड को बैलेंस रखो। ठीक है, सेलिब्रेशन का कार्ड काल भी आया था, आज भी आया है, तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आने वाले हैं। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप एंजल को याद करके पूछो कि मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो एंजल आपको हेल्प करेंगे, अदरवाइज आप किसी से भी मदद ले सकते हो। अगर आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप बोल सकते हो। अबंडेंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको नेचर के करीब रहना है, खुद को, खुद की जो इनर चाइल्ड है, हमारे सबके अंदर जो बच्चों वाली जो एक साइट है, उनको नर्चर करें। जो भी आपको अच्छा लगता है करें, आइसक्रीम खाना या फिर बारिश में भीगना, इस तरीके का बच्चों वाली जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है और करने का दिल करता है आप करें। ठीक है, अबंडेंस आने वाला है करियर के लिए, फ्रूटफुल रिजल्ट मैंने कहा है, तो सेम कार्ड यहाँ पर आया है, अबंडेंस एंड सेलिब्रेशन। लव लाइफ में रियूनियन की वाइब्रेशन है और करियर में अबंडेंस आपको रिसीव होगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। और इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को स्पेशली 11-11 पोर्टल
2012 पोर्टल के अंदर काफी आपको चेंजेस दिखने के लिए मिलेंगे। पॉजिटिव चेंजेस ज्यादातर लोगों के लाइफ में होगा, स्पेशली जिनका टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, बाकी सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो गाइस ये था आज का रीडिंग, होप आपको पसंद आया है। आने वाले टाइम में अगर आपको दिख जाते हैं रिजल्ट तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और रीडिंग में क्या आपको रेजोनेट किया है वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं। सॉरी मैं बार बार व्हाट्सएप क्यों बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ ना तो वहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि मुझे जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है मुझे व्हाट्सएप पे बताओ। तो सेम एनर्जी मैं यहाँ पर मेरा हैबिट हो गया है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सॉरी सो सॉरी। आपको जो भी रेजोनेट कर रहा है इस टाइम पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आने वाले टाइम में जो भी आपको रिजल्ट दिखते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। और काल की जो मैंने ड्रेस वाली जो कलर के बारे में बोला था कि कौन सी कलर के कौन ड्रेस पहने हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैच किया है तो मुझे कमेंट मिला है। तो आज के दिन में हो सकता है जो लोग रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पे आप लोग ग्रीन कलर की ड्रेस पहने हुए हो, ठीक है। तो बाकी तो मुझे रीडिंग के टाइम याद नहीं है, अगर मुझे याद रहता तो मैं मेंशन कर देती। कुछ लोग येलो पहने होंगे आज के दिन में, कुछ लोग ब्लू कलर, ठीक है, या तो फिर पर्पल कलर टाइप कुछ पहने होंगे, और ग्रीन कलर, ठीक है। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो इस टाइम पे आप हो सकता है कि उसको पहने हो, ठीक है। तो गाइस रीडिंग को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।